जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, एग्री कमोडिटी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछला हफ्ता काफी मिक्स रहा है, जहां हमने कुछ कमोडिटीज में तो काफी अच्छी तेजी देखी, बट वहीं कुछ कमोडिटीज में हायर लेवल से मार्केट में हमने पुलबैक भी आते हुए देखा। सबसे पहले कैस्टर की बात करें, 62-62 पे मार्केट ओपन होने के बाद 6400 का भी लेवल छूते हुए दिखाई दिया, जिस ढंग से अराइवल में डिले और साथ में हमने क्रॉप डैमेजेस की वजह से ये तेजी देखी। बट कहीं ना कहीं काफी अदर कमोडिटीज में गिरावट के चलते इसमें भी हमने गिरावट देखी और प्राइजेस 6180 का लो लगाता हुआ दिखाई दिया। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अभी भी बना के चल सकते हैं। 6000 के ऊपर काउंटर जब तक होल्ड है, हम समझते हैं वापस 6500-6600 का लेवल देखने मिल जाएगा। जिस ढंग से हमने देखा इस बार क्रॉप साइज भी कम है, डिमांड एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर पा रही, बट लॉन्ग टर्म में डिमांड अच्छी रहेगी जो प्राइजेस को सपोर्ट करेगी। तो अगले हफ्ते के लिए 6100 के ड्रॉप पे लेके चलिए, 6350-6400 का टारगेट रहेगा। वही मसालों की अगर हम बात करें तो हल्दी में वॉलिटिटी रही, हमने 11200 का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंट था उसके करीब प्राइजेस को जाते हुए देखा, बट वहां से फिर से जबरदस्त गिरावट के चलते हमने 10300 पे मार्केट को क्लोज होते हुए देखा, फिर भी 0.5% की तेजी थी। फंडामेंटल साइड अगर हम देखें तो काफी डैमेजेस के चलते ये प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया। नो डाउट एक्सपोर्ट डिमांड धीरे धीरे पिकअप करने की उम्मीद है, जिसके चलते प्राइजेस को आगे जाके भी सपोर्ट मिलेगा, बट पिछले एक महीने में जो हमने तेजी देखी है ये कहीं ना कहीं कूल ऑफ होती हुई दिखाई दे रही है टेम्परेरी। तो अगले हफ्ते के लिए 10000 तक का एक गिरावट देखने मिल सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए। वहीं जीरे में भी हमने देखा कि प्राइजेस 18500 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है, बट 18000 के ऊपर होल्ड होना भी काफी पॉजिटिव है। ओवरऑल काउंटर में हमने शॉर्ट कवरिंग बनते हुए देखा। टेक्निकली अगर हम आरएसआई की बात करें तो 80 के ऊपर है, जो दर्शाता है कि मार्केट में थोड़ा पुलबैक बनता है, तो मे बी 18000-17900 तक का एक पुलबैक मिल जाए, बट लॉन्ग टर्म व्यू हमने रिवाइज करके 21000 से बढ़ाकर 24000 का रखा है। ओवरऑल अराइवल्स में इस बार डिले रह सकती है, क्रॉप साइज कम रह सकती है, एक्सपोर्ट डिमांड भरपूर रह सकती है, जिसके चलते जीरे के फंडामेंटल काफी मजबूत है। धनिये में भी अगर हम बात करें तो प्राइजेस 10500 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है, टेक्निकल पुलबैक 9700 तक का दिखाई दे रहा है। एक बार ये पुलबैक मिलता है फिर से गेन करके चलिए। हमारा साल भर पहले का जो टारगेट था वो था 12500 का, और 2022 के लिए अब हम इसको रिवाइज करके 18500 का भी टारगेट लेके चल सकते हैं। जिस ढंग से हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट के प्रोडक्शन में कमी है, रोमानिया बल्गेरिया से बीच में अच्छी डिमांड थी, बट अब धीरे धीरे इंडियन मार्केट से भी डिमांड उभरते हुए दिखाई देगी। नो डाउट कंटेनर कॉस्ट फ्रेट कंटेन अभी भी कॉस्टली है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट डिमांड खुलकर नहीं आ पा रही है, बट उम्मीद है कि फरवरी में रमजान से पहले मसालों की एक्सपोर्ट की डिमांड जबरदस्त रहनी है, जिसके चलते जीरा और धनिया दोनों को सपोर्ट मिलेगा। अगले हफ्ते के लिए वीकनेस दिखाई दे रही है, जो 9700-9750 का लेवल दिखा दे, बट हर घटाले पे हमें लेके काम करना चाहिए। गवार सीड गवार गम में हमने पहले भी कहा था हमारा व्यू न्यूट्रल है। हम देख रहे हैं बार बार में प्राइजेस में तेजी जरूर आती है, बट सस्टेन नहीं कर पाती है। कुछ जगह पे अपडेट्स ये आ रहे हैं कि अराइवल में जबरदस्त गिरावट के चलते मार्केट में तेजी है, बट ध्यान रखिए जनवरी में कोई नई फसल नहीं आती है तो अराइवल का कोई गुंजाइश नहीं है। हर साल जनवरी में धीरे धीरे अराइवल्स कम ही होती है, तो ओवरऑल हमें लगता है कि गवार सीड गवार गम साइड वे टू नेगेटिव ही मार्केट ट्रेड करेगा। मेंथा ऑयल में भी हमने अच्छी गिरावट देखी है, क्योंकि मंडी टैक्स को लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जिसके चलते ट्रेडर्स बाइंग नहीं कर पाए, बट टेक्निकली अब धीरे धीरे लोअर लेवल्स पे हम बाइंग लौटते हुए देखेंगे। तो 970-980 के रेंज में मेंथा ऑयल को लेके चलिए, फिर से 1020-1030 तक का जंप अगले हफ्ता 10 दिन में हम देख पाएंगे। अंत में कॉटन कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने कॉटन में जबरदस्त तेजी देखी है, जिस ढंग से CAI का भी जो प्रोडक्शन फिगर्स है उनमें कमी बताई है, बट हाजिर में अभी भी बताया जा रहा है कि 320 के नीचे की क्रॉप रहेगी, जिसके चलते आने वाले टाइम में कॉटन 40000 का लेवल भी तोड़ सकता है। टेक्निकली ओवरबॉट होने की वजह से पॉसिबल है हम 34500 का एक पुलबैक देख पाए, बट उस पुलबैक पे हमें लेके काम करना है। अगले हफ्ते के लिए पहले दो तीन दिन मार्केट में गिरावट रह सकती है,
बट लोअर लेवल्स में बाइंग फिर से लौटती हुई दिखाई देगी। लॉन्ग टर्म व्यू तेजी का ही है। कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो हमने क्लियरली कहा था 3400 के ऊपर क्लोज करने पे ही हम अच्छी तेजी देख पाएंगे, नहीं तो 3100 3150 का सपोर्ट रहेगा। तो कहीं ना कहीं प्राइजेस सपोर्ट पे लौटते हुए दिखाई दे रहा।